Bom bak bom bara 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 bom bak bom bara. Masti aur shararate kahi pe hai takraar, kahi pe sirf siyasate, kahi pe sachcha pyar. To sun mere yaar, tu dil ki pukar, sun mere yaar, tu dil ki pukar. Bubbly bubbly, bubbly bubbly. क्या मजाक बना रखा है तुम सब लोगों ने? ये टीवी चैनल है कोई एनजीओ? मुफ्त की सैलरीज ले रहे हैं सब? एक एक को फारिग कर दूंगी। मुझे 5 मिनट में सब लोग मीटिंग रूम में चाहिए। सुनाई दे रहा है कि नहीं? कितनी देर में? 5 मिनट में। Now get out. Thank you, madam. बाप का माल समझ रखा है? दूसरे चैनल्स आगे जा रहे हैं और हम पीछे। आज सबको नौकरी से निकाल दूंगी। आज किसी की खैर नहीं, क्योंकि इस कमरे से कभी खैर की खबर नहीं आई। Let's see. डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मैं बदल गया हूं। सीरियसली, अगर तुम मेरे सामने हो ना इस वक्त, तो मेरी आंखों में मेरी सच्चाई देख लो। वो सुना नहीं है तुमने? तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली आ गई है मेरी पाकिस्तानी। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, ओके, आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि जितनी तब्दीली तुम चाह रही थी उतनी शायद नहीं आई हो, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी ना, मैं काम कर रहा हूं उस पर। तुम लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, सो आई थिंक अगले 6 महीने में 2 सीरियल्स आ रहे हैं मेरे, उनमें तुम्हें लीड दे देता हूँ। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। हाँ, अब हैप्पी? सर वो हैप्पी नहीं है, मगर तुम्हें कैसे पता? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, इनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं होगा, ये सिर्फ आप ही से बात करती हैं। शट अप। नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हें कैसे कह सकता हूँ, मैं किसी और से बात कर रहा था। तुम्हें बाद में कॉल करूँ? फ्री हो गए? बोलो। बोलेंगी तो मैडम, वो भी पूरा 1 घंटा। आप बस तैयारी कर लें। किस चीज़ की तैयारी? आपकी बैटिंग आ गई है, हेलमेट पहन लें। शुएब अख्तर यानी मैडम टीना मजीदी अपने स्टार्ट पे बॉल पकड़े खड़ी हैं और 100 किलोमीटर की स्पीड से ज़ूम। यार अब क्या हुआ है मैडम को? वही जो हर हफ्ते होता है, रेटिंग डाउन, पारा हाई। 5 मिनट में मीटिंग रूम में। सारे चैनल ड्रामे बना रहे, कभी उनकी रेटिंग आती है, कभी हमारी रेटिंग आती है, लेकिन एक चीज कॉमन है, मेरी बेइज्जती। पारस सुनो, बड़ी जबरदस्त किस्म की सेल लगी है, क्या कहती हो, चलियो शाम में? तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी मैं? अल्लाह सलामत रखे मेरे हस्बैंड को, उन्हीं के साथ जाऊंगी। यार तुम्हारा सीन भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता है, शादी को 6 साल हो गए, अब भी हस्बैंड हस्बैंड। तुम्हें नहीं पता शॉपिंग पे हस्बैंड की नहीं, उसके क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। हस्बैंड की भी जरूरत होती है शॉपिंग वाले बैग और बच्चे उठाने के लिए। बात तो तुमने ठीक कही। तजर्बा नहीं है ना तुम्हारा भी, सीख जाओगी। Thank you.
पारस तुम बड़ी न्यूज वाली बनी फिरती हो, कबीर मैडम से तो पूछो, आखिर दिन में 10 बार उठ उठ के किसके फोन सुनने जाती है ये? तुम्हें इससे मतलब? और मैंने वैसे भी हेल्पलाइन पे कॉल की थी। हेल्पलाइन पे आधा घंटा बाद? ये कोई आम बात नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और जिसकी है उसके बहाने ही खत्म नहीं होते। तब्दीली की बातें, और कोई तब्दीली नहीं। क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? ये बात तो तुम्हें पारस ही बता सकती है। एक जैसे ही होते हैं, शादी से पहले ख्वाब दिखाते हैं और बाद में जीना ही हराम कर देते हैं। वाह, क्या डायलॉग बोला है। फटाफट लिख लेती हूँ, किसी और डमे में फिट कर दूंगी। फिटिंग का काम तो मैडम का है। अब क्या कर दिया हमने? कुछ किया ही तो नहीं, बस आप लोग तैयारी कर लें। मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबों का शहजादा हाथ में फूल लिए अब तक आया ही नहीं। फिर वही मसला। मुबारक हो, फूल तो नहीं आए, फूलन देवी आ गई है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि फूलन देवी has arrived। वाह 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 वाह, तर्जुमा बहुत अच्छा किया है आपने। लेकिन फूलन देवी मतलब मैडम है। आज कोई नहीं बचने वाला। 5 मिनट में मीटिंग की कॉल है। हाय हाय, अब क्या हो गया भाई? इससे ज्यादा नीच ड्रामे नहीं बन सकते भाई। अब जितनी रेटिंग आ रही है उतनी काफी है। लोग कोई अंधे थोड़ी है, देख रहे हैं तो देख रहे हैं। मुझे लगता है न्यूज का कोई ब्लंडर चला है। भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है। जो ड्रामे तुम बनाती हो और जो न्यूज तुम चलाती हो उसकी जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन देखती हूँ, जो कि कमाल है। उसके भी पैसे तुम्हारी मैडम ही देती हैं। चलो, बुला रही हैं। चम चम के तू लाख चले गोरी, थम थम के ओ पायल में गीत है। चम चम के हाँ तू लाख चले रे गोरी, थम थम के। अरे मेरी भाई, जरा थम थम के। क्या है जॉनी, सारा मेरा मोशन खराब कर दिया। वैसे ईमान से तुम हो ना, एक बहुत बेसुरे आदमी हो। कम से कम आदमी तो, और मोशन खराब कर दिया। खैर बेटा, तुम जरा तैयार हो जाओ। किस बात के लिए? अपनी क्लास करवाने के लिए, मैडम ने बुलाया है 5 मिनट में। लेकिन क्यों? ये तो मैडम ही बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि मैडम के बारे में क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूं। मैं आता हूं। क्या कॉन्फिडेंस है भाई, वाह। लगता है आज मीरा का इंक्रीमेंट लगने वाला है। मस्ती और शरारते कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासते, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली सब आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 यस मैम, सब डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो आ चुके हैं। जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई नहीं बैठेगा। तुम लोग को समझ नहीं आ रही, जब मैम इजाजत नहीं दे रही है बैठने की, तब तक हम लोग कैसे बैठ सकते हैं? अब तुम लोग को मैं हर बात तुम लोग को समझाऊं? हाँ, एम आई राइट मैम? हो गया आपका, अब काम की बात कर ले। जी बिल्कुल, काम की बात। मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि ऑफिस में आप लोग सब बैठेंगे कि मेरे सर पर खड़े रहेंगे। बैठो भी, बैठो, सब बैठो, मैंने बोल दिया बैठने को, बैठ गए। ये क्या चल रहा है ऑफिस में आजकल? क्या चल रहा है? मैंने पूछा ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है? कसम से मैडम, मार्केटिंग वाले नासिर शरीफ और मैं तो सिर्फ दोस्त हैं।
लंच तो हम अक्सर यूं ही ऐसे ही कर लेते हैं साथ। इसे कहते हैं आ बेल मुझे मार। क्या बकवास है, कौन नासिर शरीफ? अब वो सीसीटीवी फुटेज की बात करिए ना आप, जिसमें हम अक्सर इकट्ठे नजर आते हैं। शट अप। मैम हमें क्या लगे, उसका पर्सनल मैटर है। ऑफिस में कोई चीज पर्सनली होती है, मुझे आइंदा कोई ऐसी वैसी चीज ना नजर आए। यस मैडम। खैर इस मीटिंग की वजह कुछ और है, चैनल की रेटिंग रोज बरोज गिरती जा रही है। आप हानिया बिनते अशफाक। मैम एक्चुअली अगर आपने लेटेस्ट ग्राफ्स देखे हो तो जो हमारे 8 और 9 बजे वाले स्लॉट है उनकी रेटिंग बड़ी कांस्टेंट है, मजेदार रेटिंग है उसकी, और कंटेंट डिपार्टमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। आपका नाम हानिया है? नहीं। तो आप चुप कर जाएं। जी हानिया जी। क्या कर रहा है आपका कंटेंट डिपार्टमेंट? मैडम फॉर्मूला तो वो ही सेट किया हुआ है, पता नहीं ये रेटिंग्स कैसे गिर गई हैं। क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप झूठ? मैम कैसे बताओ भाई, मैम झूठ बोल सकती हैं? सब बताओ। मैम आप कैसे झूठ बोल सकती? मिस हानिया बताइए क्या वजह रेटिंग नीचे आने की? मैम फॉर्मूला तो वो ही है, पूरा ड्रामा हीरो और हीरोइन पर बना हुआ है। अगर हीरोइन की शादी हुई भी है तो एक्स बॉयफ्रेंड का अफेयर और शौहर का शक, और अगर शादी नहीं हुई भी तो कॉलेज में अफेयर और बाप का शक। अगर दोनों की शादी हुई भी है तो एक बच्चा जाया होना चाहिए और सास और नंद की साजिशें होनी चाहिए, और अगर शादी नहीं हुई भी तो साजिशी बहन, सौतेली माँ, नशेई बाप। हर एपिसोड में दो दो थप्पड़ और 15 मिनट का रोना धोना मैंने बिल्कुल फिट करके रखा हुआ मैम, यकीन करें। बस पता नहीं रेटिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं। यही तो सवाल मेरा है। दिलबर सेठी साहब अब आप जवाब दें। मैम मेरी क्लास का सेशन तो हो चुका है, अगर फिर से आपका मूड बन रहा है तो दिलबर सेठी हाजिर है। एक तो मुझे आप पर रहम आ जाता है, आप क्या घर पे भी इतने सादतमंद हैं? यह एक बुरे शौहर। मैम शौहर की क्या मजाल कि वो बुरा हो सके, और वैसे भी हमारे ड्रामों ने औरतों को वैसे ही तलाक का रास्ता और कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपने चैनल में नीचे ड्रामों के दौरान टिकर्स पे ना वकीलों के नंबर चलाने से धड़ाधड़ तलाकें हो जाएंगी, और मेरी बीवी तो वैसे ही इनकलाबी है। पारस महबूब। जी मैम। ड्रामे का तो ये हाल है, आपके 10 बजे के शो का क्या करना है? मैम ऐसा करें उसको 7 बजे कर दें, वो क्या है ना मैम, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी घर आया करो, उदास हो जाते हैं ना मुझसे। बस कर दें पारस, इस उदासी को दूर करने के चक्कर में और कितने बच्चे पैदा करने आपने? मैम प्लीज, सब बैठे हुए हैं। मुझे हर हाल में रेटिंग्स चाहिए। सॉरी मैम, करंट अफेयर शोज में इतना ज्यादा मेकअप और इतनी अदाएं नहीं दिखाई जाती मुझसे। पहले ही मैंने दुपट्टा उतार दी सबके कहने पे, और अब तो आपको पता है मुझे ऐसे लगने लगता है जैसे टीवी स्क्रीन से मर्द मुझे ही घूर रहे हो। पारस आपके तो दुख ही बहुत है, आप रहने ही दें। पारस जी मर्द तो घूरते ही रहते हैं, क्योंकि तुम तो हो ही चलता फिरती इन्विटेशन। रेटिंग रेटिंग रेटिंग। अपनी इस बहस में हम एक्चुअल भाई जिसकी वजह से रेटिंग नहीं आ रही है वो खुद बोल दे, खुद बता दो मैडम को, खुद बोल दो। तो मैं समझ लूं कि किसी के पास जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है मैडम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैडम अर्तुगुल गाजी। मुझे पहले से ही पता था मैम, एक्चुअली अर्तुगुल गाजी ने जिस तरह अपने दुश्मनों की बैंड बजाई है ना, वैसे चैनल्स पे रेटिंग्स की भी बैंड बजा दी उसने। आई ऑलरेडी न्यू इट। हाँ लेकिन बताया तो मैंने था ना पहले। कॉफी रख दी तुमने? अब तुम जा सकते हो। अर्तुगुल ये क्या है? मैम अर्तुगुल गाजी की वजह से सबकी रेटिंग डाउन है, सबकी। लेकिन ये है क्या? मैडम एक मजबूत मर्द की कहानी है। तुम्हारे मुंह से ये वर्ड मजबूत मर्द अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन सर, मजबूत मर्द मुझे तो अच्छा लगता है ना। अब मैं बताती हूँ, एक टर्किश जंगजू की जिंदगी पर पूरा ड्रामा बनाया है और बहुत मशहूर ड्रामा है, सारी रेटिंग्स यही लेकर चला गया है। मैं तो हैरान हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता। मैं तो सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती हूँ, लेकिन हमारे मुकाबले में ये गुल ये कहां से आ गया? मैम, अगर आपको रेटिंग्स गिरने की वजह पता चल गई हो तो हम लोग जाएं, मीटिंग एडजर्न। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रुके, मुझे 2 घंटे के अंदर गुल उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए। वो क्यों मैडम? गुड क्वेश्चन। हम अर्तुग गुल बनाएंगे जी। हम नाउ गेट टू वर्क, यू हैव ओनली 2 आवर्स। सुन लिया तुम लोगों ने, 2 घंटे में उनको रिपोर्ट चाहिए, चलो। चलो भाई चलो, सुन लिया मैम ने क्या बोला है? दो घंटे हैं सबके। घोड़े कितने चाहिए होंगे? करते हैं ना यार, खच्चरों से काम चला लेंगे। चलो तुम लोग चलो। मनुष्य आदमी है, दिल पर सेठी, बेशर्म में इतनी सी शर्म नहीं है जितनी मुझसे कॉफी में चीनी डलवाता है। कैसे मैडम की चापलूसी कर रहा था, बेशर्म कहीं का। आइडिया मेरा था, वरना इनके तो बाप को भी नहीं पता था कि बबली टीवी और बाकी सारे चैनल्स की रेटिंग नीचे क्यों आ गई है। मैं किसी दिन जो है ना शहर दे दूंगा इस दिलबर सिटी को ना कॉफी में मिलाकर। जी दोस्त जॉनी, क्या हो रहा है, किससे बातें हो रही हैं? कुछ नहीं सर, आप ही को याद कर रहा था, कोई चाय कॉफी वगैरह लेंगे? यार पिला दो कॉफी, पर चीनी ज्यादा डालना, कॉफी पिला दो। ओके सर। मेरे रूम में ले आना। श्योर सर। मनहूस। Believe.